गुड मॉर्निंग क्लासेस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और अच्छे अपने एग्जाम की कर रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपके जो एग्जाम हैं वो होने वाले हैं, तो अभी तक आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन पेपर्स आप उन्हें देखेंगे कैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है पैटर्न किस प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया है, कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पास आए हैं, आपका जो पेपर होता है नंबर का होता है, टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपका पूर्णांक होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 नंबर का आपके पास आता है। फर्क आपके पास क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 80 नंबर का आपका पेपर, टोटल कितने हो गए 100 नंबर हो गए। 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें जो पेपर का जो होगा वो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 80 नंबर है ये कैसे आपके पास डिवाइड होके आते हैं। ठीक है, आपके पास आपने देखा होगा क्वेश्चन जब भी आता है तो आगे क्वेश्चन के कितने नंबर का क्वेश्चन है ये आपको बताया जाता है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। ऐसा बताया जाता है आपको कि ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपने एक पूरा पैराग्राफ भर दिया है, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। या फिर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने एक एक लाइन में आपने वो आंसर कंप्लीट कर दिया है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आया है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है ये है 2023 का लिस्ट टेस्ट, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब आप सोचेंगे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों करते हैं, दो रीजन होते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। सबसे पहला तो ये होता है कि काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चलिए 10 ना भी देखें, आप 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से लेके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। देखिए क्या होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होगा, लेकिन सेम टॉपिक रिपीट होता है। चलिए तो हम बात क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि जब आप देखेंगे कि कोई एक चैप्टर है, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लीजिए, आपने देखा इस चैप्टर से इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये हमेशा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको अब समझ आ रहा है कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है जो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है साइंस का, उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है और केमिस्ट्री आती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। तीनों पार्ट में क्या होते हैं, नंबर डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर में जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो बायो के क्वेश्चन होंगे आज हम वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे आप वो सॉल्व करेंगे और केमिस्ट्री की भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखें क्वेश्चन पेपर कैसा आता है आपका, ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब आपको करना क्या है, कुछ ये होती हैं जो कि आपको पढ़नी जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले आपको ये कहा गया कि क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 30 आपके पास प्रश्न आते हैं, जिनमें से हर एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन पेपर जब भी आप देखते हैं आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन और क्वेश्चन कितने नंबर का है, फिर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, आपको जो जो क्वेश्चन आए आपने फटाफट से क्या किया, क्वेश्चन नंबर डाला। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर डालेंगे आप लोग, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है वो आप डालेंगे और जल्दी से वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे जो कि आपको आते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो देखिए आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आपको याद आती हैं, तो आपने क्या करना है, जो भी चीजें आप, जो भी आंसर आपको आता है आप लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन आया है रेस्पिरेशन से रिलेटेड और आप वहां पे लिख रहे हैं एक्सक्रीशन से रिलेटेड, यानी कि आपके पास श्वसन का एग्जाम आया, क्वेश्चन आया है और आप उत्सर्जन से संबंधित वहां पे आंसर लिखेंगे। आंसर आप रिलेटेड लिखेंगे, संबंधित लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, ठीक है। सारे कोशिश कीजिएगा, सारे आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। फिर आपको कहा गया है कि जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं क्वेश्चन क्या आते हैं आपके, आपको दिखाया गया कि क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, पहले आपके पास आते हैं एक नंबर के प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न में आपके पास जो प्रश्न आए हैं वो हैं बहुविकल्पी प्रश्न,
में आप क्या देखते हैं, एक स्टेटमेंट आपको दी जाती है, चार ऑप्शन आपके पास है, आपको एक ऑप्शन चूज करना जो आपको मार्क्स को गेन कर सकते हैं। टाइम बहुत कम लगेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। तो आपके पास देखिए इस प्रकार से क्या आए हैं, इस प्रकार से आपके पास एक एक नंबर के एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। चलिए अब आपके पास क्या आए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि ये भी पूरे एक एक नंबर के यहाँ तक आते हैं। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके पास जो टोटल नंबर आए हैं वो एक एक नंबर क्वेश्चन आए। अब आपके पास आंसर स्टार्ट होते हैं दो नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ेंगे तो यहाँ पे निर्देश में क्या लिखा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको कितने शब्द लिखने हैं, जो दो नंबर का क्वेश्चन होगा आपको कितने, पांच नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको कितने शब्द लिखने हैं, ये एक बार आप पढ़ लेंगे। ये आप जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब नहीं पढ़ना है, पहले ही घर पे जाके आपके पास पेपर होगा, फोन सबके पास होंगे, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे और ये सारे निर्देश आपको पहले पढ़ लेने हैं, कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कितने शब्द लिखने हैं। बात तो क्लियर है, आप सबने देख भी लिया होगा, नहीं देखा आप देखेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन पेपर में हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बायो का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है, अगर आप घ वाले प्रश्न को देखेंगे, आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन, आपको पूछा गया है, चार विकल्प आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है प्लांट में पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, पहला इंसुलिन है, ठीक है, दूसरा थायरोक्सिन है, तीसरा एस्ट्रोजन है और लास्ट है साइटोकाइनिन। अब बताइए कौन बच्चा मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा, टीआईसी मदकोट, बच्चे आप लोग माइक लीजिए अपना, टीआईसी मदकोट माइक लीजिए अपना, बच्चे जल्दी से माइक लीजिए ताकि हम और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज राजकुमार। राजकुमार, अच्छा बच्चे सबसे पहले ये बताइए आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, जो अभी तक क्वेश्चन पेपर कोई भी आया होगा किसी भी सन का। यस मैम देखा है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है? मैम अच्छे से नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा थोड़ा बहुत पता है, देखिए पैटर्न से क्या मतलब है मेरा, आपको ये पता होना चाहिए एक नंबर के कितने क्वेश्चन आपके पास आते हैं, दो नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि दो नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप कितने शब्द लिखेंगे, कितनी लाइन लिखेंगे, यानी कि आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है और आपको बहुत कम भी नहीं लिखना है, इतना पता है आपको? यस मैम इतना पता है। तो ये सारे निर्देश पढ़ने की जरूरत है राजकुमार, या फिर आप ये देख लेंगे मैम, मैंने कहा ये निर्देश एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर आप लोग घर पे इसे देख लेंगे? मैम घर पे देख लेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर ये जो घ है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का घ जो आपके पास आता है, राजकुमार क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। मैम फोर्थ होगा इसका आंसर। फोर्थ होगा, वेरी गुड, दैट इज साइटोकाइनिन। ठीक है, यानी कि साइटोकाइनिन में क्या है, पादप हार्मोन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसके साथ साथ राजकुमार आप बैठिए, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है। आप बैठिए बच्चे, देखिए अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन इसका आंसर है, तो जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको करना क्या है, आपको इससे रिलेटेड कम से कम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपको हर एक हार्मोन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है और साइटोकाइनिन है। आपने कहा ये क्या है, पादप हार्मोन है, और ये क्या है, ये जो तीनों हार्मोन पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं, कौन मुझे आंसर देगा, हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी मदकोट, जीआईसी भनबोलपुर, कौन मुझे आंसर देगा कि इन चारों हार्मोन का फंक्शन क्या है, एक एक लाइन में कौन मुझे बताएगा, किसी को पता है? जीआईसी मदकोट आपका माइक ऑन है, बात कीजिए आप लोग, आपको आंसर देना है तो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी मदकोट, किसी को नहीं पता, देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो हमने रिसेंटली अभी पढ़ा है, जो हार्मोन्स के बारे में आपने बात की थी, हमने कहा था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की थी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ये जो क्वेश्चन आया है किस चैप्टर से आया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आया है, नोट करते रहिए साथ में। ठीक है, आपको क्या करना है, नोट करना है किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आया है। ये जो क्वेश्चन आया है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, नियंत्रण एवं समन्वय से। ठीक है,
इसमें आपको ये जो तीन बताए गए हैं, ये मनुष्य में हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। आपने कहा इंसुलिन है। क्यों है इंसुलिन? जो आपका यहाँ पे जो शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन का होता है। कहाँ से रिलीज होता है? आपने कहा पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है। किस प्रकार की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, बहिःश्रावी और अंतःश्रावी। देखिए एक साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्लासेस हमारे पास कम है, ठीक है, हमारे पास क्लासेस कम है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने इंसुलिन के बारे में क्या जाना? इंसुलिन कहाँ से श्रावित होता है? आपने कहा एक तो ह्यूमन में पाया जाता है, पैनक्रियास से श्रावित होता है। फंक्शन क्या है? जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल को मेंटेन करना, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। पैनक्रियास एक ग्रंथि है जिससे जो क्या दोनों पार्ट पाए जाते हैं, अंतःश्रावी ग्रंथि और बहिःश्रावी ग्रंथि। अंतःश्रावी और बहिःश्रावी ग्रंथि में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? किसे पता है कि अंतःश्रावी और बहिःश्रावी ग्रंथि में क्या अंतर है? हैंड रेज कीजिए अपना, जल्दी से बताइए मुझे, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? नोट कीजिए आप लोग, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे नोट कीजिए। अंतःश्रावी और बहिःश्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है, दोनों की डेफिनेशन देखनी है, और दोनों में से क्या श्रावित हो रहा है, कुछ श्रावित होता है ग्रंथियों से? फटाफट नोट करते जाइए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो आप आज जाके ही घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है बच्चे? आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी तक, तो आपको सारे आंसर आने चाहिए। चलिए इंसुलिन के बारे में हो गया, अब है थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन है वो कहाँ से श्रावित होता है, किसे पता है थायरोक्सिन कहाँ से श्रावित होता है, कौन मुझे बताएगा? जीआईसी घड़ियाल धार। बच्चे आप लोग माइक लीजिए, गुड मॉर्निंग सर। बच्चे माइक लीजिए अपना जल्दी से। चलिए बच्चे नाम बताइए अपना। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका? शेषनाथ। अच्छा शेषनाथ, ठीक है। बच्चे ये बताइए जो थायरोक्सिन है वो कहाँ से श्रावित होता है, कहाँ से श्रावित होता है, किसे पता है? बच्चे ये जो चैप्टर है ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, किसी को नहीं पता? जो थायरोक्सिन है वो एक ग्लैंड है हमारे पास, दैट इज थायराइड ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड आती है, कहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड? हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहां से क्या निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा थायरोक्सिन? ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या काम है थायरोक्सिन हार्मोन का? आपने कहा कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, इसके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है, ठीक है, लेकिन आपको बाकी के जो ऑप्शन है उनमें भी आपको सॉल्व करना है। तीसरा हमारे पास आता है एस्ट्रोजन। किस जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, क्या काम होता है इसका, कौन मुझे बताएगा? किसी को नहीं पता? आपको कहा गया था जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया था, आपने कहा था जो द्वितीय लक्षण होते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं जब आप किशोरावस्था में होते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? जी आई सी भुजान। बच्चे बिना कॉपी के नहीं बैठेंगे आप लोग, कुछ बच्चे बिना कॉपी के बैठे हैं, आप क्या करेंगे बिना कॉपी के? ओपन कीजिए सारे बच्चे कॉपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अब आपके पास जो अगला प्रश्न आता है वो है बायो का। देखिए हम सिर्फ बायो का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन है वो भी आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बायो का पोर्शन ही सॉल्व करेंगे। आपसे कहा गया है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, यानी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, परिवहन तंत्र क्या है, कौन मुझे बताएगा? बच्चे फ्रंट में आ जाइए जिसने माइक लिया है। साइलम क्लो। क्या नाम बताइए पहले? मेरा नाम सहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा? जाइलम और फ्लोयम होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जाइलम क्या करेगा और फ्लोयम क्या करेगा? जाइलम जल जड़ से खनिज लवण, ठीक है, जल और खनिज लवण, और फ्लोयम क्या करेगा? भोजन का वितरण करेगा। अब ये बताइए कि इसमें जो परिवहन हो रहा है, ठीक है, दो पाइप हमारे पास आ रहे हैं, हमने कहा हम यहाँ पे एक तना है हमारे पास, ये क्या है? तना है, ठीक है, ये स्टेम है हमारे पास, हमने कहा स्टेम में क्या है? दो पाइप है, एक को आपने कहा, एक को आपने जाइलम कहा है और एक को आपने फ्लोयम कहा है।
आपने कहा जो जाइलम है वो पानी को क्या करेगा, पौधे के भागों तक पहुंचाएगा। कहाँ से ले रहा है ये पानी को, पानी को कहाँ से लेगा जाइलम? जड़ के। जड़ क्या करेगी, जो मिट्टी में घुलनशील जल होगा उसे एब्जॉर्ब करेगा और जाइलम के माध्यम से पूरे भागों तक पहुंचेगा। ठीक है, अब ये जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, जो पत्ती में भोजन बनता है उसका वितरण करेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि भोजन का वितरण हो रहा है और जल और खनिजों का वितरण हो रहा है, तो दिशा आपको पता है, हमने कहा एक दिशीय और द्विदिशीय। तो हमने कहा कि ये जो जल है ये एक दिशीय है, तो जो भोजन का परिवहन होगा वो एक दिशीय होगा, एक दिशा में होगा, या फिर क्या होगा, द्विदिशीय होगा, दोनों दिशाओं में। समझ रहे हैं आप, एक दिशीय द्विदिशीय का मतलब क्या है कि जल तो क्या है, सिर्फ एक ही दिशा में बह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो भोजन में जो परिवहन हो रहा है उसकी क्या दिशा होगी, एक दिशीय है या द्विदिशीय? वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग कीजिए बच्चे के। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, चलिए बैठिए, इसका आंसर हम अभी देखेंगे, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछा गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वेयर डू प्लांट गेट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त कर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब मुझे कौन बताएगा, जीआईसी बंचूरा, जीआईसी पोबाव, कौन मुझे बताएगा, बताइए, माइक लीजिए अपना। मैं भोजन बना। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है और इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए आप बैठिए, जीआईसी पोबाव, बच्चे आप माइक ऑन कीजिए अपना। मैम जी, जी बच्चे नाम बताइए पहले अपना। मैम तनिष्का। तनिष्का, चलिए अब बच्चे आपको आंसर क्या देना है, आपको बताने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कच्ची सामग्री क्या क्या होती है प्रकाश संश्लेषण। मैम जैसे सनलाइट। सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट, वॉटर, वॉटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अच्छा तो ये बताइए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जीआईसी पोवाओ, क्या कनिष्का ने हमें सही आंसर दिया है? जीआईसी बंचूरा, क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? मैम सॉरी, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो रिलीज होती है ऑक्सीजन, सॉरी। ठीक है, तो चौथा जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है वो क्या होगा? मैम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, वेरी गुड, क्लोरोफिल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये कच्ची सामग्री है प्लांट इसे कहाँ से रिसीव करता है? मैम सनलाइट को सन से लेता है। सन से लेता है, ठीक है, अब ये बताइए कि क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होगा? मैम क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीव्स में होता है। ये फोटोसिंथेसिस के मैम ये ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट्स को। देखिए मैं बताती हूँ, क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट सन से तो निकल रही है लेकिन प्लांट में कैसे पहुंचेगी, प्लांट अंदर कैसे लेगा, एब्जॉर्ब कैसे करेगा, इस क्लोरोफिल की सहायता से। क्लियर हो गई? अब आप ये बताइए कि जो पानी है वो कहाँ से आता है पौधे में? मैम वो जो लैंड से लेता है पानी, मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो जड़ होती है वो क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी और पानी आ जाता है। अब हमारे पास बचा CO2, CO2 कहाँ से आएगा? मैम CO2 गैस होती है जो हमारी सराउंडिंग्स में होती है, तो वो वहां से एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब कैसे होती है ये आपको बताना है, एब्जॉर्ब कैसे होगा प्लांट। आपने कहा जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे होती है मेनली, पर मैं कहूँ कि फूड फैक्ट्री भी उसे कहते हैं, किसे कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? मैम लीव्स। वेरी गुड, लीव को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि आप ये भी कहते हैं कि जो पौधों का किचन होता है वो कौन होता है, पत्ती होती है। तो आप ये बताइए कि पत्ती में ही अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है,
जी हमें चाहिए होंगी। क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, पानी भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है, सनलाइट भी क्लोरोफिल ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब CO2 कैसे आता है, ये किससे आता है, कनिष्का के अलावा कौन मुझे बताएगा, GIC बंचूरा किसी को बताने तो हैंड रेज कीजिए अपना, या GIC पुवाओ में किसी को बताने तो हैंड रेज कीजिए, GIC बंचूरा। अच्छा ठीक है बच्चे आप बैठिए, आपने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, वेरी गुड। GIC बंचूरा आप माइक ऑन कीजिए अपना। CO2 वायुमंडल से रंध्रों में जाती है, वेरी गुड। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, किसमें, पत्ती में रंध्र होते हैं। अब ये रंध्र अभी कैसे हैं, ये रंध्र अभी बंद हैं, यही हमने कहा था, ये रंध्र अभी कैसे हैं, बंद हैं। अब ये रंध्र खुल जाएंगे कैसे, ऐसे, और यहाँ से बाहर से क्या होगी, जो CO2 है वो पत्ती में चली जाती है इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको ये पता है बच्चे, अपना नाम बताइए। जीत मंजीत, वेरी गुड मंजीत, आपने अच्छे आंसर किए, चलो बैठो। आपको इतना पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, और रॉ मटेरियल को प्लांट कैसे एक्वायर कर रहा है। अब मेरा आपसे एक और सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेज कीजिए। ये आंसर सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, तो क्या उत्पाद आपके पास बनता है, इसे पता है, कौन बताएगा, ठीक है, GIC बंचूरा बच्चे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ठीक है। चलिए GIC पुबाओ आप आंसर दीजिए, बच्चे आंसर कीजिए, GIC पुबाओ। मैम ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोनों बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। बैठिए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसका नाम है ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। चलिए अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसको इन क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर भी हैं, अभी हम कुछ देर में आंसर भी डिस्कस करेंगे। अब जानना चाह रही हूँ आपको कितने क्वेश्चन है। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन आया उसमें कहा गया कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, जिसमें आपको बताना है जो आपका स्टमक होता है यानी कि आमाशय होता है, यकृत यानी कि लिवर है, बड़ियांत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तीन भाग आपको बताने हैं। पहले तो आपको पूरा पाचन तंत्र बनाना है, इन तीनों भागों को दर्शाना है। अब आप में से मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे ऐसी बंचूरा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बच्चे हाथ नहीं उठा रहे। GIC पुवा अब आप बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर ले, एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाने, देखिए आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है नोट कीजिए उस क्वेश्चन को, और घर जाके आप वो टॉपिक फिर से पढ़ के आएंगे, ठीक है, खाली नहीं बैठना है, जब मैं बोलूं लिखना है तभी नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, आप देखेंगे आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नोट कीजिए उस क्वेश्चन को, टॉपिक को घर से पढ़ के, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन से हमारे कम से कम चार टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाए, तो ठीक है, काफी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हम देखेंगे, ठीक है, डायग्राम देखेंगे इसका। दूसरा आपके पास इसी के साथ जो क्वेश्चन आया है, इसके और में आया, अथवा में आया, अथवा का मतलब आप समझते हैं, दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, या तो ये सॉल्व कीजिए, ये नहीं आ रहा है तो ये सॉल्व कीजिए, दोनों में से आपको एक प्रश्न यहाँ पर हल करना है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, कर क्या देते हैं, दोनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। अब आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे वो तो तीन ही मिलेंगे, भाई आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हुआ क्या, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हम तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और अगर बायो के क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि हर एक क्या हो आप डायग्राम बनाए, चाहे आप बहुत जल्दी में बनाए लेकिन वहां पे डायग्राम बनाना है, बात क्लियर है। अब इसके अथवा में जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें कहा गया है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट कर स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए, यानी कि draw a neat and clean diagram of a longitudinal section of a flower and label the flower parts in it, कौन कौन से फ्लावर, आपको क्या करना है, फूल का चित्र बनाना है, ठीक है, फूल का चित्र बनाना है तो आपको क्या क्या दिखाना है, एंथर यानी कि पराकोश, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ओवरी यानी कि अंडाश, इन तीन भागों को आपको अब ये बताइए इस क्वेश्चन हैंडेज कीजिए। सबसे पहले GIC बंचूरा, कितने बच्चे इस प्रश्न को कर लेंगे, आप हैंड रेज कीजिए, आपको फूल का चित्र बनाना है और फूलों के भागों को प्रदर्शित करना, ठीक है। GIC स्वादा,
आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे? 3 बच्चे। एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाने बच्चे। अगर आंसर नहीं पता है तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, अभी हम आंसर देखेंगे और आप फिर क्या करेंगे, फटाफट से अपने आंसर करेंगे और घर से उस टॉपिक को फिर पढ़ के आएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन पेपर हम देखते रहेंगे, अब क्या करते हैं आंसर यहाँ पर देखते। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। करें सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, आपने कहा था उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, यानी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। क्या आंसर आपने दिया था, एक बच्चे ने हमें बहुत अच्छा आंसर दिया था, आपने कहा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने परिवहन तंत्र पढ़ा है, ठीक है, मनुष्य में भी पढ़ा है और आपने पादपों में भी पढ़ा है। जो यहाँ पर परिवहन तंत्र का मतलब क्या होता है, या वहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप जो भी कहिए, इसका मतलब होता है ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो परिवहन कर रहा होगा। परिवहन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामग्री एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको जाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। जैसे कि आप स्कूल, अगर आपका स्कूल बहुत दूर होता, कई बच्चे गाड़ी से आते भी होंगे, तो जैसे स्कूल आपका बहुत दूर होता है तो आप क्या करते हैं, बस या फिर आप स्कूल या कोई भी आप परिवहन को ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल जाने के माध्यम वहां पर ले रहे हैं, तो माध्यम को आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि वो वहां पर क्या है, आपका परिवहन तंत्र होगा कि जो परिवहन करने में सहायता कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, पेड़ पौधों में जो परिवहन हो रहा है, किन किन चीजों का परिवहन हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ पौधों में किन किन चीजों का परिवहन हो रहा है, आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, फूड है यानी कि भोजन है, आपने कहा जल होगा, आपने कहा खनिज लवण होंगे, ठीक है, आपने कहा हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी क्या होता है, पहुंचाना होता है, होता है ऐसा। आपने कहा कि जड़ क्या कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, उस पानी को आप पूरे, आपको जितने भी पौधे के भाग होंगे, आपने कहा पत्ती में भोजन बना तो उस भोजन को भी सारे पार्ट तक, कि जो पेड़ है उसमें क्या निकले, हॉर्मोन्स निकले, हॉर्मोन्स को भी क्या करना है, जहां पर उसकी आवश्यकता है वहां पर पहुंचाना है। तो इसे पहुंचाने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, वो तो क्या होता है, इसके द्वारा पेड़ पौधों में जो सामग्री है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये आपको बताना था। आपने कहा जाइलम एंड फ्लोएम, कहा आपने, जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था तब आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की थी। चलिए आप साथ साथ में, जिन बच्चों को आंसर नहीं पता है वो साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे। आपने कहा जाइलम एंड फ्लोएम आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जाइलम और फ्लोएम पौधे के परिवहन प्रणाली के दो मुख्य घटक हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता होता है, परिवहन होता है, ठीक है। आपने कहा इन अपवर्ड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वेयर एज फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर प्लांट पार्ट्स। यानी कि जाइलम पानी के ऊपर की ओर परिवहन में मदद करता है, जबकि फ्लोएम भोजन की पत्तियों अन्य पौधों की तक ले जाने में मदद करता है। हमने अभी कुछ देर पहले क्या किया था, देखा था जाइलम और फ्लोएम को देखा था, ठीक है। हमने कहा कि इस प्रकार से तना है और हमारे पास एक आता है जाइलम, एक पाइप आपके पास आता है जाइलम और एक आपके पास आता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करेगा, जल को ऊपर की ओर लेके जाएगा, जल का परिवहन करेगा, जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी करेगा, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, भोजन को पौधे के हर भाग तक पहुंचाएगा, यानी कि दोनों दिशाओं में गति हो रही है। एरो बता रहा है आपको कि ऊपर की ओर भी गति हो रही है तो नीचे की ओर भी गति हो रही है, क्योंकि भोजन बना पत्तियों में लेकिन भोजन की आवश्यकता जड़ों को भी तथा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग जल्दी से देखिए। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम किसे कहते हैं, तंत्र किसे, ठीक है। वहन तंत्र के बाद आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो पौधे होते हैं उनमें किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन आपके पास चेंज करके आ जाए कि प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं उनमें किन किन चीजों का वहन होता है, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं, जल है, खनिज लवण है, भोजन है, हार्मोन है, ये बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ ही टाइम में आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इसका आंसर आप देंगे। जी एच एस एस खैरी कला, जो फ्रंट में जो बच्ची बैठी है इसका आंसर वो बच्ची देगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने कहा था, क्या है फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन देख ले सकते।
एक बच्चे ने हमें बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, आपने कहा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू विच लाइट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इनटू केमिकल एनर्जी। आपको कहा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो पौधे और विभिन्न अन्य जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपके पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था? आपने कहा सनलाइट इज यूज टू ऑब्टेन अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये इतना क्वेश्चन आपने देख ले कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। दूसरा पार्ट क्या आता है क्वेश्चन का, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का नंबर भी आप देख रहे हैं, कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है। इसमें सिंपली आप कर क्या आपने करना है कि एक तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद कहा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। आपको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने सिंपली लिखने की जो जल है, जल को कहाँ से प्राप्त किया गया, क्लोरोफिल कहाँ था, सूर्य के प्रकाश को किसने अब्सॉर्ब किया, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कैसे अब्सॉर्ब किया गया। आपको सिंपली इतनी बात लिखनी। आपको कहा गया कि जो रॉ मटेरियल है, आपने कहा रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे? क्लोरोफिल भी होगा, यानी कि हरित लवक जिसे आप कहते हैं। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द स्टोमेटा। जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से अब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि आपके पास लीफ है, ये पत्ती में क्या आ गए आपके पास? स्टोमेटा आ गए हैं, ठीक है। अब इस पत्ती में आपके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब आपने कहा कि इन स्टोमेटा के द्वारा यहाँ पे क्या आ गई है? CO2 आ गया है, यही चीज हमने डिस्कस की थी। स्टोमेटा के द्वारा यहाँ पे क्या होगा? CO2 आ गया, ठीक है। जो जड़ है तो जड़ के द्वारा यहाँ पे क्या आ गया है? H2O। जड़ यानी कि जड़ ने क्या किया? पानी को एब्जॉर्ब किया, पानी को अवशोषित किया, और जाइलम ने क्या किया? उस पानी को पौधे के हर भाग तक पहुंचाया। तो यहाँ पे पानी भी आ गया है, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इस क्लोरोफिल ने क्या किया? जो सनलाइट थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब पता चल गया कि चारों चीजें कहाँ से प्राप्त हो रही है, जो कच्ची सामग्री है वो कैसे प्राप्त हो रही है, पता चल गया सबको, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये जो क्वेश्चन है, ये आप छोटे से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, जो कच्ची सामग्री है, सबसे पहले कहा गया कि वो क्या क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, सूरज की रोशनी है, और क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक है, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद गैसों के आदान प्रदान से होता है, यह कार्य रंध्र द्वारा किया जाता है। उत्पादन नहीं होगा, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे प्राप्त करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को गैसों के आदान प्रदान से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ये लाइन आप देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट प्राप्त करता है वो गैसों के आदान प्रदान से करता है। गैसों के आदान प्रदान यानी कि जब आप स्टोमेटा को देख रहे थे, जब आपने स्टोमेटा को देखा तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर नहीं जाती है, यहाँ पे सिर्फ CO2 ही अंदर नहीं गई बल्कि ऑक्सीजन भी बाहर आई थी, ठीक है। जब हमने चैप्टर देखा था तब आपने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यही चीज आपको कही गई। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा पानी जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित होता है, चाहे वो सिंचाई या बारिश से हो, और क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने सॉल्व भी किया है और आपने इसके आंसर भी दिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, आपने जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, आपने कहा वृक्काणु जिसे आप नेफ्रॉन कहते हैं कि संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। कितने नंबर का है? 3 नंबर का आपके पास आया है। आपने कहा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हो सकता है कि वो लेंथी हो, ठीक है, तो वो इस पर्पज से बनाए गए हैं कि आपके जो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आपके पास तैयार होकर आ जाए, आपके पास पूरा जो आंसर है वो आ जाए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं, आपको करना क्या है, आप जब अपने एग्जाम में आंसर लिखेंगे आप नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा लेंथी आंसर आपको मिले तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको नेफ्रॉन की संरचना बतानी है,
ठीक है, उसके अलावा उसके कार्यों का वर्णन करना है कि क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें इस प्रकार का होता है, सबको पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जब आपने क्या पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ा था, मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, देखा यस और नो, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, आपके पास एक चैप्टर आया था लाइव प्रोसेस, जय प्रक्रम, और जय प्रक्रम में आपने वो सारे प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने एक्सक्रीशन पढ़ा था, उत्सर्जन पढ़ा था, उत्सर्जन में नेफ्रॉन पढ़ा था। बच्चे बताइए पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जी आई सी बन बोल, माइक लीजिए अपना, माइक लीजिए अपना, नाम बताइए। हेलो मैम। नाम बताइए बच्चे अपना। मोहित, मोहित साहू। ठीक है मोहित, ये बताइए पहला चैप्टर पढ़ा है आपने जय प्रक्रम, जिसका नाम है? मैम नहीं पढ़ा था वो चैप्टर, आपने नहीं पढ़ा? नो मैम। क्यों बच्चे, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी उसमें प्रोसेस आपको बताई गई है, बहुत सारे सिस्टम आपको बताए गए हैं, क्यों नहीं पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ाया था, आपने क्यों क्लासेस अटेंड नहीं की? मैम कहीं चले गए थे हम। कहाँ गए थे मैम? कहीं गेम्स है ना, हम गेम्स खेलते थे तो चले गए थे। अच्छा सिर्फ आपने नहीं पढ़ा है, बाकी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है? यस मैम। ठीक है, किन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें माइक दीजिए, हैंड रेज कीजिए, किसने पढ़ा है? बच्चे माइक को लीजिए। चलिए बच्चे नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज जावेद। जावेद मैम, ये चैप्टर मैंने भी नहीं, क्यों नहीं पढ़ा मैम चैप्टर? ये मैंने भी नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा? स्टार्टिंग में पढ़ाया मैम, स्टार्टिंग में मैंने क्लास अटेंड नहीं कर सका मैम। अब आपको करना है, सबसे पहले आप जाइए उस चैप्टर को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अब फोटोसिंथेसिस हो गया है, डाइजेशन हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया है, एक्सक्रीशन हो गया है, सारे जितने सिस्टम होते हैं आपके, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया है, ठीक है, वो सारे सिस्टम जो होते हैं आपके वो उस चैप्टर में है, और उससे ही क्वेश्चन आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं उसमें से। जैसे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पास क्या आया है, अगर आप कहेंगे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या कहा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाना है, ठीक है। अब जब आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो बच्चे खड़े हो जाइए, खड़े होइए आप। जावेद माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना। ठीक है देखिए बच्चे, एक तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आप सुनिए, आपको करना क्या है, मैंने कहा आपको घर जाके करना क्या, पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ पाएंगे, जितने भी बच्चे जितने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो पहला चैप्टर है आपका लाइफ पहला, या फिर जो बायो का पहला चैप्टर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, बायो का पहला चैप्टर है वो, उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस जय प्रक्रम। आपने जाना है जितने भी सिस्टम वहां पर होंगे, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़िए, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िए, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िए, एक्सपिरेटरी सिस्टम पढ़िए, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो सारे सिस्टम आपने पढ़ने, सिस्टम कैसे पढ़ने हैं, आपने इस प्रकार से एक पूरा जो सिस्टम होता है उसका डायग्राम देखना है, ठीक है, देखा डायग्राम। अब आपने जो भी चीजें, जैसे कि पाचन है, तो आपने देखना है कि पाचन जब हो रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी जो प्रोसेस हो रही है उसके चरण क्या है अलग अलग, जैसे कि पाचन कहाँ से शुरू हुआ, आपने कहा मुख से, मुख के बाद भोजन कहाँ गया, कहाँ गया, माइक ऑन कीजिए अपना, कहाँ आप कहिए कहाँ गया मैम? अमाशय में। अमाशय में गया। अब आपको ये देखने कि अमाशय में भोजन किस प्रकार से पाचित हुआ होगा, वहाँ कौन कौन से पाचित रस श्रावित हुए होंगे, अमाशय के बाद कहाँ गया, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में क्या हुआ, बड़ी आंत में क्या हुआ, ठीक है, इस प्रकार से आपने पूरे सिस्टम को क्या करना है, डायग्राम के माध्यम से समझना, ठीक है जी। ठीक है मैम, ठीक है, चलिए बैठिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेफ्रॉन आपको बताया गया है, आपने कहा नेफ्रॉन क्या होता है, द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या है, जल्दी से देखिए, आपने कहा जो नेफ्रॉन होता है वो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। अब जब भी कार्यात्मक इकाई की बात आती है, आपने कोशिका से उसका क्या करना है, रिलेशन करना है, उसका के बारे में सुना है सबने, क्या है कोशिका? जेआईसी जयंती कोर्ट, माइक लीजिए अपना, जल्दी से माइक लीजिए अपना, सारे बच्चे माइक को अपने सामने रखिए। चलिए बच्चे जल्दी से माइक ऑन कीजिए अपना, बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। चलिए नाम बताइए, आपकी आवाज आ रही है, माइक ऑन है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम निधि है। निधि, निधि ये बताइए
कि अभी हमने पढ़ा है कि जो नेफ्रॉन है वो गुर्दा यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई है, इसका क्या मतलब है? अच्छा आप ये बताइए कोशिका किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताइए मुझे, क्या है कोशिका, कोशिका की परिभाषा दीजिए मुझे। क्रियात्मक इकाई, सिर्फ क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई को सिर्फ क्रियात्मक इकाई है या और भी है? संरचनात्मक भी। वेरी गुड, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या हुआ इसका मतलब? कार्यात्मक मतलब जो बनाने का काम करते हैं। देखिए निधि, संरचनात्मक का मतलब है कि वो बना रही है, संरचना यानी कि वो निर्माण कर रही है, ठीक है। संरचनात्मक यानी कि हमारी जो संरचना है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर आपने कोई छोटा सा खिलौना आपने लिया है, आप क्या करते हैं उसके एक एक पार्ट को निकाल के देखते हैं कि ये किस किस चीज से मिलकर के बना है। वैसे ही हमने जब अपनी बॉडी को देखा कि हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी होगी, हमारे पास जो लास्ट चीज आई, जो सबसे छोटी चीज आई जिसे हम और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते थे, वो थी कोशिका। तो हमने क्या कहा, कोशिका शरीर की क्या है, संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। क्या कहा, संरचनात्मक इकाई है। अब कार्यात्मक से क्या मतलब है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे कि आपने कहा रेस्पिरेशन, श्वसन हो रहा है, कहाँ हो रहा है श्वसन, आपने कहा कि आपका ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये जो श्वसन है वो हमारी कोशिका में भी हो रहा है। तो यानी कि जो कोशिका है वो क्या है, कार्यात्मक इकाई भी है, क्योंकि जो भी लाइफ प्रोसेस चल रही है वो कोशिका में चल रही है। इसलिए हमने क्या कहा, कार्यात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। संरचना को देख करके हम कहें तो कोशिका से ही हम बने हैं, कार्य को हम देखे कहीं तो हमने कहा कि फंक्शन भी सिर्फ कोशिका में ही हो रहा है हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से बैठिए आप, उसी प्रकार से जो नेफ्रॉन है वो भी क्या है, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक समझ रहे आप, जो भी फंक्शनिंग हो रही होगी किसमें हो रही है, नेफ्रॉन में हो रही है, ठीक है। अगली लाइन क्या बताती है, इट इज कम्पोज ऑफ रीनल कॉप्सूल एंड अ रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। आपने क्या कहा, यह वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका से बना होता है। अब संरचना की बात आपके पास आई, आपने कहा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब आपने करना क्या है, स्ट्रक्चर जब भी आप पढ़ेंगे सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाना है आपने, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया होगा आप बनाएंगे, अगर बुक में नहीं दिया होगा, आप सबके पास फोन है, मोबाइल फोन है, सर्च कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब आपने हर एक पार्ट को देखना है कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं या इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से पूरी आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और तब आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या आपने कहा, नेफ्रॉन आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, क्या है ये, आपने कहा कि नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी फिल्टरिंग इकाई है, ठीक है। दूसरा आपको कहा गया है, ईच किडनी पजेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन अप्रोक्स 1 to 1.5 million। अब आप देखिए एक किडनी में कितने सारे नेफ्रॉन होते हैं, जैसे कि हमने कहा हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं होती है, क्या आप गिन सकते हैं आपकी बॉडी में कितनी कोशिकाएं हैं, नहीं गिन सकते, हमारा शरीर पूरा बना ही कोशिकाओं से है। तो आपको कहा गया है कि प्रत्येक किडनी में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, कितने, 1 से लेके 1.5 million कहा गया है। अब आप समझ रहे हैं मिलियन कितने होते हैं, सारे बच्चे YouTube वीडियो देखते हैं उसमें व्यूज आप देखते हैं मिलियंस में आते हैं, आप अब सब समझते हैं कि मिलियंस का मतलब क्या होता है। तो आपको कहा गया है कि प्रत्येक किडनी में कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है हमारे पास, प्रत्येक किडनी में इतनी क्या होती है हमारे पास, नेफ्रॉन होते हैं और हर एक नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगला हमारे पास आते हैं नेफ्रॉन के घटक हैं, ये हमारे पास नेफ्रॉन के घटक हैं जिसमें ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल है और लंबी वृक्क नलिका है, ये आपके पास आया है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद इसके फंक्शन आएंगे, तो आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन करिए। इसके बाद मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दिखाती हूँ, और जिसमें आपको कहा गया है आपको एक तो जो आपका पाचन तंत्र है वो बनाना था, दूसरा आपको क्या करना था, जो फूल है, जो फ्लावर है, उसके हर एक पार्ट को यहाँ पे दिखाना था। नेक्स्ट आपके पास आया था कि जो यहाँ पर इकोसिस्टम है वो क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स का क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। दूसरा आपने कहा था पोषी स्तर क्या होता है यानी कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, और आपको फूड चेन का एग्जाम्पल देना था, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके पास आया था कि आपके ट्रॉपिक लेवल आ गए हैं। नेक्स्ट आपने कहा था उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। इसका आंसर हम कर चुके हैं जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था।
नेक्स्ट आपको कहा गया आयोडीन युक्त नमक का के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, क्या रीजन है। समजात और समरूप अंगों के एक एक उदाहरण दीजिए, एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्पों एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके पास आया था वो आपको कहा गया है रीजनरेशन और बडिंग क्या होता है, यानी कि पुनरुद्भवन और मुकुलन क्या होता है। यहाँ पर कहा गया कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। आपको कहा गया कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताइए और उसके फंक्शन बताइए। न्यूरॉन क्या होता है, ये भी किससे आया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आया है। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार देखा जाता है, जिसमें कहा गया कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। यह चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया था, आपने कहा था कि वायुमंडल, ये वाला क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से ला सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके बायो के पोर्शन के, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आपको क्वेश्चन बताए गए हैं लेक्चर में, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप सारे ही क्वेश्चन के आंसर के साथ यहाँ पर सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, क्लास में आपका।